जिस क्रीमिया को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च पैड बनाया था, अब उसी क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। दरअसल 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था और इसी दिन यूक्रेन सोवियत संघ से आजाद हुआ था, और इसी दिन यानी 24 अगस्त 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से दोबारा आजाद कराने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत यूक्रेनी सैनिक क्रीमिया में उतर चुके हैं। क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेनी सेना में भीषण जंग चल रही है, और इसी कड़ी में अब रूसी रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा बयान आया है। रूस का कहना है कि उसने क्रीमिया पर दागे गए यूक्रेन के 42 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन सभी ड्रोन्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही क्रैश करा दिया गया है। हालांकि रूस ने अभी तक इन ड्रोन हमलों से हुए किसी जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये जरूर कहा है कि उसने कालुगा इलाके में भी यूक्रेन से छोड़े गए ड्रोन्स को मार गिराया है। इस हमले को लेकर क्रीमिया के सेवास्टोपोल शहर के मेयर मिखेल रेजोजोव ने टेलीग्राम पर एक मैसेज में कहा है कि खेरसोन प्रांत में कई ड्रोन हमलों को ध्वस्त किया गया, और इसी के पास ही सेवास्टोपोल के बाहरी इलाके में रूसी सैनिकों का अड्डा है, जो रूस के ब्लैक सी सैन्य बेड़े का बड़ा अड्डा है। हालांकि सेवास्टोपोल के मेयर ने ये बात साफ नहीं की कि जिन ड्रोन हमलों को बेअसर किया गया वो उन 42 ड्रोन हमलों में से थे, जिनकी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले तेज कर दिए हैं, और यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि वो यूक्रेन को रूस से आजाद कराएंगे, और इसी कड़ी में 24 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन के तहत अपनी सेना को उतार दिया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेनी सैनिक क्रीमिया के पश्चिमी तट पर ओलेनविका और मयक शहर के पास उतरे हैं। यहां से वो रूसी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़कर अपने में मिला लिया था। उस वक्त रूस ने तर्क दिया था कि क्रीमिया के लोग रूसी बोलते हैं और वो रूस में अपना विलय चाहते हैं।